नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास भूपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंटी डायबिटिक के अंडर आने वाली जो कैटेगरी है थायाजोलिडिन डायोन्स, जिसका दूसरा नाम ग्लिटाजोन्स भी है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आसान तरीके से डिस्कस करने वाले दोस्तों, ताकि आपको एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट का भी मजा आए। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, थायाजोलिडिन डायोन्स का दूसरा नाम ग्लिटाजोन्स है। इसके अंडर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो ग्लिटाजोन्स वाले हैं, इसलिए इसको ग्लिटाजोन बोलते हैं। जैसे पियोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ठीक है। और इन ड्रग्स को आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है मेग्लिटिनाइड कैटेगरी वाले ड्रग्स से। ये जो है मेग्लिटिनाइड वाले, अगर इसमें से टी निकाल दो तो ग्लिनाइड हो जाएंगे, तो इनको ग्लिनाइड होगा, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग आएंगे वो ग्लिनाइड वाले आएंगे, जैसे नार्टेग्लिनाइड, रिपाग्लिनाइड जैसे। तो इनको आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन्स के अंडर आएंगे और ग्लिनाइड मेग्लिटिनाइड के कैटेगरी के अंडर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, थायाजोलिडिन डायोन्स जिनका दूसरा नाम है ग्लिटाजोन्स, इनका मेकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये पीपीएआर गामा रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म होगा पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर है। तो ये गामा वाले हैं दोस्तों। आपने कमेंट बॉक्स में अल्फा वाले रिसेप्टर के बारे में बताना है कि अल्फा रिसेप्टर पर, पीपीएआर अल्फा रिसेप्टर पर कौन से ड्रग्स एक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीपीएआर गामा रिसेप्टर है जिन पे ये एंटी डायबिटिक ड्रग कैटेगरी में से थायाजोलिडिन डायोन्स जिनका ग्लिटाजोन नाम है वो यहाँ पे एक्ट होते हैं दोस्तों। और ये इस रिसेप्टर के जरिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं। जो भी जितना भी इंसुलिन हमारे बॉडी में अवेलेबल है उसका सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंसुलिन के सिक्रीशन को नहीं बढ़ाते, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं दोस्तों, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। और तो इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों, इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को? देखो, थायाजोलिडिन डायोन्स के अंदर एक झोली है, ठीक है। और हम भगवान से बोलते हैं कि मेरी झोली भर देना तू प्यार से, है ना। जो झोली में गम है उसे प्यार से भर देना भगवान। तो ये झोली ही हमें बताएगी कि ये थायाजोलिडिन डायोन्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोस्तों। ये इसका एक्शन है प्यार और गम, पीपीआर गामा रिसेप्टर पर इसका एक्शन होता है, और ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बिग जोन्स के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, बिग यानी बाइगोनाइड और ये जोन्स यानी थायाजोलिडिन डायोन्स। ये दोनों ड्रग कैटेगरी जो है इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं। सेंसर लगे हैं ना, तो सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं। नेक्स्ट, मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं। थायाजोलिडिन डायोन्स, यहाँ पे झोली है, झोली कैसे दिखती है? देखो, लीवर जो है हमारा झोली की जैसा दिखता है ना, झोली भरी पड़ी है। तो ये झोली है लीवर के जैसे दिख रही है, तो लीवर टॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट होगा। और इसको उठाते उठाते, इस झोली को उठाते उठाते इसका ये बोन फ्रैक्चर हो रहा है ना, इसमें थाया है दोस्तों। तो झोली उठा के इसका थाई जो है फ्रैक्चर हो गया, यानी कि फ्रैक्चर का रिस्क होता है इसमें, ऑस्टियोपेनिया होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है, थायाजोलिडिन डायोन्स के अंदर। और इसका एग्जाम्पल जो है पियोग्लिटाजोन, अगर आप कुछ पीते हो तो आपके अंदर फ्लूड जाता है, तो फ्लूड रिटेंशन हो सकता है, एडिमा हो सकता है इस कैटेगरी से, ठीक है। तो ये पियोग्लिटाजोन से याद रख लेना, इसका साइड इफेक्ट है एडिमा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात बताऊंगा आपको। और इसमें जो दूसरा एक ड्रग आता है दोस्तों, रोजी वाला है ना, रोजी ग्लिटाजोन, तो इससे आपने याद रखना है, ये रेड कलर का होता है ना, तो एनीमिया भी इसका साइड इफेक्ट है, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। रोजी रेड है तो रेड से एनीमिया हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी पेशेंट में रिनाल इंपेयरमेंट है, रिनाल का डिसीज है, अपने किडनी का डिसीज है, और उस पेशेंट को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपने कौन से ड्रग देने चाहिए? तो थायाजोलिडिन डायन्स। और क्यों देने चाहिए? क्योंकि रिनाल इंपेयरमेंट में आपको इसका कोई डोज का एडजस्टमेंट नहीं करना होता है थायाजोलिडिन डायन्स का। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम से आप याद रख सकते हो, ये दो किडनी है, यूरेटर यहाँ पे है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसमें हमने पीओ लिख दिया, इसमें रोजी लिख दिया, तो पीओ ग्लिटाजोन, रोजी ग्लिटाजोन, ये किडनी में जो अगर प्रॉब्लम हो फिर भी ये चलते हैं दोस्तों, ग्लिटाजोन। इसमें डोज एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये ग्लिटाजोन जैसे स्माइल दिख रहा है, खुश है, तो पियो ग्लिटाजोन, रोजी ग्लिटाजोन जैसे ड्रग हम रिनाल इंपेयरमेंट में दे करके उसका नो डोज एडजस्टमेंट है दोस्तों, कोई डोज की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, इससे थोड़ा सा ध्यान से लेना, गौर से लेना। इस पर कोई भी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जैसे कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे है, थायाजोलिडिन डायोन्स के ड्रग जो है उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे है दोस्तों, नर्सिंग मदर के अंदर हम इसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बच्चे में प्रॉब्लम कर सकता है दूध के जरिए। और अगर कोई वुमेन है जो माँ नहीं बनना चाहती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है एस्ट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, और अगर उस वुमेन में डायबिटीज हो जाता है तो उसके अंदर भी हम ये थायाजोलिडिन डायोन्स नहीं दे सकते दोस्तों। अब क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो लेती है तो एस्ट्रोजन का यहाँ पे लेवल कम हो जाता है थायाजोलिडिन डायोन्स की वजह से, और उसकी झोली भर जाती है, मतलब वो माँ बन जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए अगर उसको कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे हो, उसको माँ बनना नहीं है उस दिनों, तो उसके साथ में थायाजोलिडिन डायोन्स नहीं दे सकते दोस्तों, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसे याद कैसे रखोगे दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है, पियोग्लिटाजोन रोसिग्लिटाजोन, तो इसे हम बोलेंगे पियोगे तो रोएंगे, पियोगे तो रोएंगे, कौन रोएंगे, बेबी भी रोएगा और माँ भी रोएगी, ठीक है। बेबी खुद बेबी बन गया इसलिए रोएगा क्योंकि अब उसे दूध से थायाजोलिडिन डायोन आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, और माँ क्यों रो रही है, क्योंकि वो माँ बन गई इसलिए रो रही है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लेडी है जो प्रेग्नेंट नहीं रहना चाहती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है एस्ट्रोजन कंटेनिंग, और अगर उसे डायबिटीज का प्रॉब्लम है और उसके लिए थायाजोलिडिन डायोन दिया जा रहा है, तो थायाजोलिडिन डायोन एस्ट्रोजन के लेवल को इस तरह, एस्ट्रोजन को हम बोलेंगे इस तरह कम करेंगे कि उसकी झोली जो है वो भर जाएगी, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। इसके लिए हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में थायाजोलिडिन डायोन्स को नहीं देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस सारे पीडीएफ को हम हमारे फार्मा नोट्स की जो टेलीग्राम की चैनल है वहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे दोस्तों, और ये टेलीग्राम की पीडीएफ की लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के लिए आपको 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना होगा, और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो दोस्तों, बड़ा ही आसान है, जैसे फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, वहाँ पे आपको अब तक के सारे वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल होकर के मिलेंगे दोस्तों, और आगे भी आने वाले जो भी हमारे पीडीएफ मटेरियल होगा उसे हर वीकेंड पे वहाँ पे अपडेट किया जाएगा, और इस पीडीएफ के जरिए आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो दोस्तों, ट्रस्ट मी, और ये आपके रिवीजन लगाने के भी बहुत काम आएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ताकि उनको पढ़ाई में भी आसानी हो और करियर को सेट करने में भी काफ़ी मदद मिले। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है ना तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ मिलता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।